नमस्कार। अपने कक्षा 12 में प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंग में पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा पूरा हो गया। न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, जिसमें एक दो न्यूमेरिकल हमने पिछले क्लास में किए थे, एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल दो तीन लिख दिए मैंने, इनको सोल्व करके देख लेते हैं। इस तरह के बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नॉर्मली हमें न्यूमेरिकल कुछ बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल से, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब आप अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल बेसिक, पिछले जितने पेपर हम उठा के देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप चैप्टर जहाँ खत्म होता है लास्ट में उससे संबंधित जो भी 5-7 जो भी सूत्र आए हैं वो लास्ट में आप लिख लें, और जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको एक एक बार रिवाइज कर लें और एक एक बार दो दो बार उनके क्वेश्चन करके देख लें तो वो अपने आप याद रह जाएंगे। क्वेश्चन देखो कितने सिंपल आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि 3.3×10⁻²⁰ जूल ऊर्जा वाले किसी फोटोन से संबद्ध आवृत्ति की तरंग आवृत्ति की गणना कीजिए। हमें क्या दे दिया, देखो 3.3×10⁻²⁰ जूल ऊर्जा, ऊर्जा लिखा हुआ ना, ऊर्जा दे रखे। नहीं समझ में आए तो मात्रक देख लो, सबसे पता आराम से, जहाँ कन्फ्यूजन होगी वहाँ मात्रक बता देगा क्या है। जूल लिखा हुआ है तो जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इसका मतलब क्या दे रखा है, ऊर्जा। क्या याद करना है, आवृत्ति। ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, ई बराबर होता है एच न्यू। तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन एच। जूल में दे रखा है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता तो 1.6×10⁻¹ से गुणा करके जूल में बदल लेते। अब ई का मान ऐसा कैसा रख देंगे, 3.3×10⁻²⁰, और एच का मान रख देंगे 6.625×10⁻¹¾। ये लगभग इसका डबल है, लगभग डबल है। तो ये दो से कैंसिल आउट कर दो और 10⁻²⁰ को ऊपर ले जाओ, ये काम आप कर लेंगे। उसके बाद हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन से संबद्ध ऊर्जा जूल में क्या होगी। ऊर्जा जूल में बतानी है हमें। नॉर्मली जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊर्जा जूल में ही आती है। दिक्कत का तब होती है जब हमें पूछते हैं कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, ऐसा भी दिया जाता है, तब हमें ध्यान रखना कि 1.6×10⁻¹⁹ का भाग देना लास्ट में आंसर निकालने के बाद में, या पहले भी दे सकते हैं फॉर्मूला में भी, तो डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ई की वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल से जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उल्टा जाना तो क्या किधर जाएगा, वो डिवाइड में चली जाएगी वैल्यू। तो ध्यान रखना है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो डिवाइड कर देना है ई की वैल्यू का, अदरवाइज जूल में पूछा गया तो वो जूल में आएगा, वो आएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। अब हमें देखो पहले तो देख क्या रखा है वो लिख लें, 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 4000×10⁻¹⁰ मीटर। मीटर में बदलना जरूरी है। ये कितना, 10³, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना एक बार कर ले, हम बाद में वैल्यू रख दे, थोड़ा सा आसान हो गया, डायरेक्ट भी रख सकते हैं लेकिन सिंप्लीफाई कर ही लिया। 4 × इसको क्या ले सकते हैं, 10⁻¹⁷, 10³ है ना, ये 4×1 = 10⁻¹⁰ है, तो -1 = 7 बचे, ये वैल्यू आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब हमें क्या याद करना है, E = हमें पता है h न्यू होता है, लेकिन न्यू पता है हमें क्या होता है, C/λ। तो क्यों बदला, क्योंकि हमें लैम्डा का मान दे रखा था, न्यू का दे ही नहीं रखा, तो हमें इसे लैम्डा में कन्वर्ट कर लिया। दोनों मान रख देंगे, h का मान क्या है 6.62×10⁻¹⁴, और इसका c का मान क्या है 3×10⁸, और लैम्डा का मान क्या है 4×10⁻¹⁷। क्लियर, नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सोल्व कर लेंगे आप इसे, ये उत्तर जो आएगा जूल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा फोटोन अधिक ऊर्जा से उत्सर्जित होगा, लाल या बैंगनी। इस तरह के क्वेश्चन भी दे देते हैं थोड़ा सा हम कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज को आप उस टॉपिक पर ले जाओ, अपने आप पता चल जाएगा, सारी बातें वही होंगी जो हमारे सिलेबस में हमारी किताबों में एजेंडे लिखी है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये बातें भी हमने पढ़ रखी है, इसके बारे में ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है, लाल बैंगनी के बारे में, क्यों, क्योंकि वहां हमने तरंग दैर्ध्य की बात की थी, विचलन की बात की थी, किसका विचलन अधिक होता है किसका विचलन कम होता है, तो वहां बात की थी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है विचलन, तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है उसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए वहां हमने बात की थी खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका विचलन क्या होता है, कम होता है, वो पूरे एग्जैक्ट वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है।
सॉरी कम होती है, इसलिए उसका विचलन जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, किसकी कम होती है, उसके अनुसार हमें पता है कि ऊर्जा का मान क्या होता है, E बराबर एच न्यू और E बराबर देखें तो एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ ऊर्जा किसके व्युत्क्रमान पाती है, लैम्डा के व्युत्क्रमान पाती है। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके लिए ऊर्जा ज्यादा होगी। तो तरंग दैर्ध्य किसकी कम होती है, तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की कम होती है, ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की होती है, इसलिए लाल रंग का विचलन क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर हमें विचलन नहीं बताना, यहाँ हमें ऊर्जा बतानी है। तो यहाँ पर लाल रंग की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो लाल रंग की के लिए लैम्डा का मान अधिक होता है, अतः इसकी ऊर्जा बैंगनी रंग से उत्सर्जित फोटॉन से कम होती है। एक ही बात हमने उसको रिवर्स फॉर्म में लिख ली है, हमें पूछा गया है किसकी अधिक होती है, तो दूसरी ऐसे लिख लो बैंगनी रंग की अधिक होती है। कारण भी लिख दो इसका, अधिक होती है क्यों होती है, क्योंकि इसके लिए लैम्डा का मान कम होता है और ऊर्जा लैम्डा के व्युत्क्रमान पाती होती है। लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन फ्रॉम लैम्डा वर्ल्ड, ठीक है, लैम्डा आर का जो मान है कैपिटल आर से लिख देते हैं, लैम्डा आर का मान ज्यादा होता है इसलिए इसकी जो ऊर्जा है वो कम होती है। बैंगनी के लिए तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है इसलिए इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। ये डायग्राम सबको लगभग याद रहता है, सबको याद रहता है। इसको किस तरह से लेते हैं, विब्योग से लेते हैं। तो देखो सबसे कम विचलन किसका है, लाल रंग का। तो सबसे इसकी लैम्डा क्या होती है, अधिक होती है, इसके लिए लैम्डा का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ क्या पता चल रहा है, ऊर्जा लैम्डा की व्युत्क्रमान पाती है, इसलिए यहाँ पता चल गया ऊर्जा लैम्डा की व्युत्क्रमान पाती है, इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए लैम्डा का मान कम होता है तो बैंगनी रंग के लिए ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एक लाइन में दो लाइन में।